हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है, ना इसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं, आप सबको लेके चल रहे हैं। हमें भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है। सब चीजों में, हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेकर चल रहा है। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में जितने अलग अलग विभिन्न जनजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग, हर 200 किलोमीटर में, 200 मीटर में अलग एक व्यवहार वाला आदमी, अलग एक धर्म या अलग सोच विचार वाला आदमी मिल जाते हैं, उस देश को हम सब एक करके लेके चलना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बहुत बार आता हूं और मैं कहता हूं हमारे यहां अधिकारियों को, हमारे सुनील जी जो है हमारे बड़ा भाई और मोदी जी सबसे बड़ा भाई, वो लोग तो पूर्वोत्तर में रह के आए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत बार जब यहां नीति बनते हैं तो मैं यहां नीति के विषय में बहुत बार नीति बनाने वाला अफसरों के साथ में सुझाव देता हूं। कभी कभार आके आप लोग वहां प्रवास करिए, एक गांव में आके एक दो हफ्ता रहिए, वहां के लोगों के साथ एक बार रहिए, या तो कभी टूरिस्ट के रूप से भी आइए, वहां की लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, क्या करते हैं और वहां के सोच विचार कैसे हैं। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग और आदिवासी लोग जो है, आप लोगों को पूरा दिल खोल के आप लोगों को पूरा दिल में बुलाएं। सिर्फ जानना बाकी है, थोड़ा सा परखना बाकी है, तब नीति बनाने के समय में एक तरह का नीति सबके उपलब्धियों के लिए बन सकेगा। हमें सुनील जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दादा, यहां मैं बोलता हूं, यहां कुछ क्राइटेरिया होता है सरकार में, ब्लॉक के हिसाब से डेवलपमेंट के रेशियो मिलते हैं, तो बोलते हैं मिनिमम एक ब्लॉक में 25,000 आदमी होना चाहिए, मिनिमम एक ब्लॉक में 50,000 आदमी होना चाहिए बोलते हैं। हमारा नागालैंड में 25,000 वाला ब्लॉक हमारे ख्याल से 2 या 3 ही होगा। एक ब्लॉक में 8,000, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000 का भी ब्लॉक है।